सर, जब भी बॉलीवुड में फिटनेस की बात होती है तो नेम्स आते हैं सलमान खान, जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन. सर, मुझे एक चीज़ आपसे, मतलब आप क्या हम यंगस्टर्स को, सबको ऐसा क्या टिप दे सकते हैं कि आपकी एज में भी हम उस स्टेज पे बैठ के ऐसे लगें कि शाहिद भी देखिए नर्वस हो रहे हैं आपके पास बैठ के. सर, क्या आप हम लोग को टिप्स देना चाहेंगे, कैसे आप अपनी फिटनेस मेंटेन रखते हैं? यार, ये सवाल ज़रा दोबारा बोलेंगे क्या? ये अच्छा लग रहा है मुझे. ये पूछते रहिए आप, थोड़ा इसे रिवर्ब होगा तो बेटर रहेगा. सर, क्या वो गूंजे हर जगह. सर, आप क्या यंगस्टर्स को ऐसे टिप्स देना चाहेंगे कि हम आपकी एज तक आते आते हम लोग भी इतने यंग एंड फिट लगे? वो यही कि हम खुल के सबकी तारीफ करते हैं. थैंक यू सर. कुछ नहीं, मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीजंस इज जैसे कि अभी आज इस बार मैं जी सिने अवार्ड्स में काफ़ी सालों के बाद परफॉर्म कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आदमी को काम करते रहना चाहिए एंड ही हैज़ टू इन्जॉय वट एवर ही डज. And for me, that's been, I think, the reason, the way I look, because I love my work and enjoy doing my work. And I'm looking forward to this performance. Main bahut hi excited hoon show ko lekar, aur nervous bhi hoon, anxious bhi hoon. Aur I think that keeps me young and that keeps me going. I think it's only work, which, so I would advise you that keep on working no matter what happens. And that will make you look good and handsome and happy. नहीं, मैं बस यही है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि 20 तारीख को ये अवार्ड्स है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एक्सरसाइज तो करता ही हूँ और ये मेरे लिए एक अच्छा कार्डियो हो जाएगा कि मैं रोज़ जाकर रिहर्सल्स करूँगा. तो मैंने सबसे पहली कंडीशन यही रखी कि मुझे रिहर्सल जितनी जल्दी हो सके शुरू करनी है. यू नो, दैट विल हेल्प मी एक्सरसाइज एंड स्वेट इट आउट एंड सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँ तो आप मेरी और ज़्यादा तारीफ करें. तो मैं बोलूँगा क्यों इतनी तारीफ क्यों हो रही है और आप इतने यंग क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मैं जी सिने अवार्ड्स के लिए रिहर्स कर रहा था.